वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिस के बारे में कि बेस क्या होता है। बेसिस क्या होते हैं? कोई भी मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, इन तीनों को हम लोग बेस कहते हैं। बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड, जब ये तीनों में से कोई भी एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देन दे विल फॉर्म ओनली सॉल्ट एंड वाटर। तब उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसे को हम लोग बेसिस कहते हैं। कुछ बेसिस को हम लोग नाम देते हैं एल्कली। एल्कली क्या है? दोज बेसिस विच कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, जो बेस पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे उनको हम एल्कली कहते हैं। दोज बेस सिस डिजॉल्व इन वाटर, अगर वो पानी में डिजॉल्व हो जा रहे हैं तो उनको हम लोग एल्कली कहेंगे। तो इसका मतलब जितने एल्कली होते हैं वो बेस तो होते हैं, पर सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ डिजॉल्व हो जाएंगे कुछ डिजॉल्व नहीं होंगे। जिस तरीके से हम लोग ने पढ़ा था कि एसिड के अंदर H3O दैट इज हाइड्रोनियम आयंस रिलीज होते हैं, वैसे इन द केस ऑफ बेस हाइड्रोक्सिल आयंस जो होते हैं इनके रिलीज का होता है। यानी जहाँ से OH आयंस निकल रहा होगा वो हमेशा हम अपने अंदर से मान लेंगे कि वो चीज़ें क्या होने वाली हैं, बेस होने वाली हैं। अगली चीज़ हम पढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस, यानी बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास मेटल है और मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? बेस के साथ हो रहा है। तो मेटल प्लस बेस में क्या होगा? मान लीजिए हमने सोडियम मेटल ले लिया है और जो हमारे पास बेस है वो हमने ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो या फिर हम कुछ और ले लेते हैं जैसे NaOH हमने ले लिया है एक बेस और इसका रिएक्शन हम करा दे रहे हैं जिंक के साथ, जिंक। तो ये रिएक्शन करके बना लेगा Zn। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा ZnOH बना लेगा और Na जो होगा वो रिलीज कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ सोडियम जिंकेट का फॉर्मूलेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं NaZn2O, इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट NaZnO2। ये Na2ZnO2, इसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, सोडियम जिंकेट। तो इन द केस ऑफ मेटल रिएक्टिंग विद द बेस, अगर मेटल बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमेशा एक सॉल्ट ही बनता है, ये सॉल्ट ही है सोडियम जिंकेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। तो ये बात होगी मेटल रिएक्शन विद द बेस की। अगली बात आती है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड अगर हो जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्शन करें, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा पहली चीज, कैल्शियम कार्बोनेट, और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक और प्रॉपर्टी है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड बेस रिएक्शन, ये हम लोग एसिड में ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हो सकता है वही चीज़ हम कहते हैं कि बेस एसिड का रिएक्शन। तो ये बातें होती हैं।